मतलब जो पास हुआ ना उसकी खुशी में हमने छोटी सी पार्टी की है आज। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल, स्वागत सपना की प्यारी दुनिया में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है गाइस। और आज मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉग हस्बैंड के साइड से। ऊपर चढ़ के आई हूँ तीसरी मंजिल, तो अभी सांस फूल रही है। थोड़ा सा दिखाती हूँ, उस दिन जो मैंने दिखाया था इसमें प्लास्टर था और देखो टाइल्स लग गई है, तो पूरे में लगा दिया है। मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो जब मैं उस दिन आई थी तो इसमें प्लास्टर था, तो ऊपर तक लगी छत तक और नीचे तक, बस इसकी ना सफाई करेंगे। बाकी आज लगा रहे हैं बाहर की, आज हो जाएगा ख़त्म यहाँ से इनका काम। तो अभी थोड़ी ज़रूरत थी मेरी, तो इसलिए मैं आई हूँ। लेवल करवाना होता है ना शुरुआत जब करते हैं, तो इस वजह से ना लेवल करवा दूँ, उसके बाद जाऊँगी फिर घर। तो ये देखो बाहर का प्लास्टर है, उसमें तराई कर रहे हैं और फिर इसके बाद टाइल्स लगाएंगे उसमें। तो मैं अभी बाहर से जाके दिखाऊंगी कि कितनी टाइल्स लगानी है बाहर। और ये है सेकंड बाथरूम, तो इसकी टाइल्स भी देखो कितनी प्यारी है। इसमें देखो गुलाब का फूल बना है टाइल्स में, तो ये भी बहुत प्यारी है। तो प्लास्टर में ना जब तक अच्छे से तराई ना हो जाए तब तक टाइल्स अच्छे से बैठती नहीं है, इसलिए हस्बैंड तराई अच्छे से कर रहे हैं। और ये देखो किसमें खड़े हैं वो, क्योंकि ऊपर है ना। और ये देखो ये जगह जो दिख रही है प्लास्टर, उसमें लगानी है टाइल्स। और गाइस नीचे का देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा था, ये सोसाइटी है तो अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे आके बहुत। तो यहाँ पे देखो मनी प्लांट जीने में कितना सुंदर तरीके से लगाया है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैं करवाया नहीं आई थी लेवल, तो ये देखो इस तरीके से लेवल करना पड़ता है नीचे, तो वही करवाने आई थी। तो मैं आराम से कर रही हूँ, बहुत ध्यान से लाइन खिंच जाए। तो गाइस मैं आ गई साइड से, अब जा रही हूँ घर, जो मतलब ज़रूरत था वो करवा लिया हस्बैंड ने, अब जा रही हूँ। आज तो सुबह सुबह मेरी अच्छी एक्सरसाइज हो गई, खाना बना रही थी और टाइम हो गया था ट्यूशन का भी, तो वहाँ छोड़ने चली गई। और फिर इसके बाद हस्बैंड ने बुला लिया तो वहाँ चली गई। तो ये दोनों चीज़ें जो पक रही हैं तो वो अधपकी है, इनको दोनों को जला देती हूँ, अब दोबारा से पकाती हूँ। तो मतलब इसमें आलू बॉयल हो रहे हैं और इसमें दाल। तो मैं हस्बैंड के काम से तो आ गई थी, थोड़ा सा ही काम था मेरा, मतलब जो लेबर के बिना नहीं हो सकता वो करवा के मैं आ जाती हूँ, बाकी वो आराम से करते रहते हैं। और बाहर बहुत गर्मी है गाइस, और रोज़ बादल आता है, ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा मौसम, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अभी शाम हो गई है, 4 बजने वाले हैं, फिर भी ना एकदम लू होती है ना गर्म गर्म, वो लग रही है। और मैं हस्बैंड के साथ काम पे जाती हूँ, जैसे थोड़ी धूल मिट्टी वाला चीज़ होती है ना, वैसे भी मेरे ये गर्मी आएगी तो समझ लो दाने सभी लोगों के, शायद ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि दाने मतलब होने लगते हैं कील मुहाँ से, तो वो मेरे शुरू हो जाते हैं। तो मैंने नेचुरल अपने घर में बना के पेस्ट लगाया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। तो आप लोग देखिए मैंने कैसे लगाया। तो ये देखो दही लेके आई थी मैं सुबह, तो थोड़ी सी मैं दही डाल लेती हूँ, इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़ा बेसन, और डाल लेती हूँ थोड़ी सी हल्दी, और डाल लेती हूँ थोड़ा सा शहद। तो ये सारी चीज़ों को कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, और अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस में, और 5-10 मिनट तक लगा के रखूँगी। इसके बाद इसे स्क्रब की तरह करूँगी, मतलब धीमे धीमे गीला करके पानी से हटाऊँगी और एकदम क्लीन हो जाएगा मेरा फेस। कभी भी पार्लर वालर तो नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही लगा लेती हूँ मैं घर पे, तो बस गंदगी साफ़ हो जानी चाहिए फेस की, वही मुझे अच्छा लगता है। बाकी क्रीम वगैरह मैं बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम मतलब मेकअप यूज़ करती हूँ, मेरी ऑयली स्किन है तो ज़्यादा सूट भी नहीं करता, मैं ज़्यादा देर तक मेकअप लगाए नहीं रख सकती हूँ, नहीं तो मेरे पूरे दाने निकल आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि कभी जाओ तो एक क्रीम सिंपल सी लगा लेती हूँ, पाउडर फेस पाउडर बस। और बाकी घर में ना चलता भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस फेस धुल के मैंने आपको दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब गर्मी में जैसे धूल मट्टी है बहुत ज़्यादा उड़ती है, डस्ट तो बैठती है, फिर वो दाने होते हैं, चिपचिपी हो जाती है स्किन। तो अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये लगा के। तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं होगा तो देख सकते हो आप भी, यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों को हम लोग बाहर का बहुत कम खिलाते हैं, लेकिन गुलशन पास हुआ है तो थोड़ा सा तो बनता है, मतलब कुछ उसने मांगा है तो चलो लेके आते हैं, दोनों खा लेंगे मिलके थोड़ा थोड़ा सा। शाम को कम से कम 8 बजने वाले होंगे, है ना, फिर भी गर्मी लग रही है, गरम गरम जो हवा होती है ना लू की, वो अभी भी लग रही है, 8 बज रहे हैं फिर भी। तो
तो ये मैं पहुंच गई मोमोज वाली दुकान में। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ ली, एक ही चीज़ मुझे पसंद आई। इसके बाद मैं गई दूसरी दुकान, मुझे कुछ और चाहिए था। तो फिर ये रोड क्रॉस करने में मुझे कम से कम 10 मिनट लग गए। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शाम टाइम, सभी की छुट्टी हो जाती है ना, और मार्केट लोग सब करते हैं। फिर यहाँ पे आ गई मैं दूसरी शॉप में, यहाँ पे मैंने सही से रेट देखा, ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पे भी थी। यहाँ से फिर मैंने ख़रीद लिया जो मुझे चाहिए था। तो गाइस हम लेके आ गए जो हमें चाहिए था। बच्चों को गर्मी में लेके नहीं गए हम लोग, नहीं तो वहीं जाके खिला सकते थे, लेकिन अभी तसल्ली से घर पर खाएँगे। तो ये देखो गाइस मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। तो मैं लेके आई थी फिंगर चिप्स, और लेके आई थी कुरकुरे मोमोज, और एक रोल, और ये तो सॉस तो आपको पता ही है कि चटपटी तीखी होती है। तो चलो आज खा लेते हैं यार, आज खुशी के दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एंजॉय कर लेते हैं। वैसे मैं जल्दी नहीं लेके आती हूँ, बच्चे अपने आप कभी नहीं जाते, हमें लोग ला के देते हैं। तो ये देखो साथ साथ हस्बैंड ने और मैंने भी खूब एंजॉय किया, और बहुत ही मज़े से देखो गुलशन ने, यश ने अपने तरीके से बनाया। तो यश बना रहा है अपने तरीके से ग्रेवी। तो ये देखो फिंगर कितनी अच्छी से ग्रेवी कर ली उसने, और मेरे को भी खिलाया कि मम्मी देखो ग्रेवी खाओ कितनी टेस्टी लगती है। तो मैंने भी खाई और गुलशन भी खाया, तो बहुत मज़ा आया। तो आज खुशी का दिन था है ना, तो थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि फास्ट फूड मतलब नहीं खाना चाहिए। कभी कभी मतलब खुशी का दिन आ जाता तो फिर रोक नहीं पाते अपने आप को। तो रोल में एक ही लेके आई थी, सभी लोगों ने मिल बांट के खा लिया, और लास्ट में हस्बैंड लेके आए आइसक्रीम की, मतलब तीखा चटपटा खाने के बाद मीठा तो बनता है, तो लेके आई आइसक्रीम। फिर इसके बाद आइसक्रीम खाई, और खाया था फास्ट फूड। तो फिर इसके बाद हस्बैंड ने बनाया भैया नींबू का शरबत। आपको जैसे कि पता है कि नींबू का रस मतलब पीने से ना, खटाई खाने से खाना पच जाता है, तो आज फास्ट फूड खाया था इसलिए हस्बैंड ने ज़्यादा मतलब स्पेशली बनाया शरबत कि सभी लोगों का पच जाए। और फिर इसके बाद टहलने भी लेके गई हस्बैंड की, थोड़ा सा टहला दूंगा और सही रहेगा। तो सभी लोगों ने किया, एकदम चिल्ड पानी था ठंडा, और शरबत पिया तो मज़ा आ गया। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी खुशी की पार्टी। गाइस तो हम लोगों की हो गई छोटी सी पार्टी, खूब अच्छा खाना खाया आज हम लोगों ने, मज़ेदार चटपटा तीखा। तो ये गुलशन की खुशी में था, मतलब जो पास हुआ ना उसकी खुशी में हमने छोटी सी पार्टी की आज। तो चलिए गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट।